यहाँ पे हम एक टाइटल लिस्ट बनाएंगे जिसमें एम्प्लॉय नेम, फादर्स नेम, जेंडर, एड्रेस, स्टेट, सिटी, एम्प्लॉय नंबर, कॉन्टैक्ट, CNIC नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डिपार्टमेंट एंड डिजाइनेशन। अब इसके वेट को थोड़ा सा एडजस्ट करना है क्योंकि आखिर तक हमने इसी लिस्ट के ऊपर काम करना है। हम जो भी डेटा एंट्री करेंगे वो हमारे पास इस लिस्ट में सेव हो जाएगा और इस लिस्ट के थ्रू हमने फॉर्म भी बनाना है। इसको यहाँ से हमने कॉपी करना है, कंट्रोल सी के साथ कॉपी किया, एक दूसरा शीट ऐड किया। इस शीट के अंदर हमने डैशबोर्ड भी बनाना है और डैशबोर्ड के लिए थोड़ा सा जगह खाली छोड़ना है और नीचे एक लाइन में इसको पेस्ट करना है। नीचे पेस्ट किया और ऊपर जाके राइट क्लिक करना है और पेस्ट स्पेशल के थ्रू भी हम कर सकते हैं या अल्ट कंट्रोल वी प्रेस करना है और यहाँ पे ट्रांसपोज के ऊपर चेक लगाना है ताकि हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल में ट्रांसपोज हो जाए। ट्रांसपोज पे चेक लगाया और ओके किया तो हमारा रो वाला जो टाइटल नेम थे वो कॉलम में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे हमने कुछ टाइटल नेम को यहाँ से काटना है, चार पांच को मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स के साथ काट रहा हूँ और इसी टाइटल के फ्रंट पे पेस्ट करना है तीन चार लाइनें छोड़ के। तो इधर पेस्ट किया। अब हमने यहाँ पे सीरियल नंबर लगाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और इसको कॉपी करना है, नीचे बिल्कुल इसी तरह अटैच में पेस्ट करना है। फिर इसको पूरा जितने भी सीरियल नंबर हैं सबको एक जगह सेलेक्ट करना है। जब एक जगह सेलेक्ट हो जाए तो जाना है फिल्टर पे, ये पूरा हमने सेलेक्ट करना है। अब हमने जाना है फिल्टर पे और फिल्टर शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास कुछ इस तरह हुआ। इसका सीरियल नंबर अभी हमने डिलीट करने हैं। अब जैसे ये हुआ कि हर डेटा सेल के नीचे हमारे पास एक खाली रो क्रिएट हो गई। अब हर टाइटल नेम के सामने हमने डबल डॉट लगाना है और इसको बोल्ड करना है, साइज़ भी इंक्रीज करना है और एक ही टाइम पे मैं सब कुछ सेलेक्ट करके इसका साइज़ इंक्रीज कर देता हूँ, 14 साइज़ रख दिया और इसके साथ इसको भी एडजस्ट करना है। अब इसको करना है हमने डबल डॉट को कॉपी, थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे कंट्रोल पकड़ के सारे सेल को एक ही टाइम पे सेलेक्ट करना है। सब टाइटल के सामने मैंने सेल सेलेक्ट किया और कंट्रोल वी प्रेस किया और दूसरी साइड पे भी इसका सेल साइज़ थोड़ा सा एडजस्ट करना है, कॉलम वेट एडजस्ट किया और यहाँ पे भी इसको सेंट्रल लाइन किया, सेल वाला थोड़ा सा ज़्यादा इसको भी कम कर दिया। अब हमने क्या करना है, इस सेल का जहाँ पे हमने एम्प्लॉय नेम लिखना है ये थोड़ा सा इंक्रीज करना है। अब जिन सेल के अंदर हमने एम्प्लॉय डिटेल लिखना है इन सबको हमने सेलेक्ट करना है और फिर इसका कलर चेंज करते हैं न्यू रूल के ज़रिए से, यानी इसके ऊपर रूल अप्लाई करते हैं। सबको सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेट पे जाना है और यहाँ से नीचे जाके न्यू रूल पे क्लिक करना है और फॉर्मेट सेल दैट कंटेन को सेलेक्ट करना है। नीचे जाके ब्लैंक को सेलेक्ट करना है, अगर ये खाली है ये सेल तो फॉर्मेट पे जाके इसका कलर किस तरह चाहिए आपको वो कलर आपने देना है। यहाँ पे मैंने यहाँ से एक कलर सेलेक्ट किया, अगर सेल खाली है तो ये कलर आ जाए, ओके किया और यहाँ से दोबारा ओके किया। अब हम खाली जगह पे क्लिक करते हैं या दोबारा दूसरा रूल भी अप्लाई कर देते हैं न्यू रूल। दोबारा जाना है फॉर्मेट सेल दैट कंटेन, इस दफ़ा हम नो ब्लैंक, नो ब्लैंक सेलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट पे जाते हैं। फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे वाइट कर देते हैं, अगर खाली नहीं है यानी इसमें नाम लिखते हैं तो इसका कलर वाइट
और पूंछ बोल्ट, पूंछ पे जाके यहाँ पे बोल्ट भी करना है। ये टेल की शायद ज़रूरत नहीं है, ओके करना है, ओके करना है। दो रूल एक ही टाइम पे हमने अप्लाई कर दिए, एक ब्लैंक और एक नॉट ब्लैंक। अब इन सेल को हम अनसेलेक्ट करते हैं। अभी नज़र आ रहा है जो भी ब्लैंक सेल है उसका कलर चेंज हो गया। जब हम इसके अंदर कुछ एंट्री करते हैं तो वाइट हो जाएंगे। ये हमने दो कंडीशन अप्लाई किए। दोबारा सब सेल को सेलेक्ट करना है और किसी एक रो का साइज इंक्रीज करना है तो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। मैंने एक सेल का साइज इंक्रीज़ किया तो सबका साइज इंक्रीज़ हो गया। इसी तरह इसके सेंटर में जो खाली रो हैं इसका साइज़ हमने डिक्रीज़ करना है, एक एक को सेलेक्ट करना है। अब किसी एक सेल का साइज़ कम करना है तो सबका साइज़ ऑटोमेटिकली बराबर एडजस्ट हो जाएगा। अब जिस सेल में भी मैं एंट्री करता हूँ तो ये वाइट हो जाते हैं। अब इसको मैं दोबारा डिलीट कर देता हूँ, ये चेक हो गया। नेक्स्ट हमने फ्रंट वाला जो सेल है इसको भी एडजस्ट करना है और यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है कि अगर ये सेल खाली हैं तो स्टार आ जाएं, अदरवाइज चेक वाला आइकन आ जाएं। तो कंडीशन है इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट स्टार्ट, और हमने D3 को सेलेक्ट करना है, यानी जहाँ पे हम एम्प्लॉय नेम लिखते हैं, यानी D3 इज इक्वल टू ब्लैंक। ब्लैंक को हम डबल कोटेशन मार्क 2 टाइम एंटर करते हैं तो इसका मतलब है खाली है, कॉमा। अगर खाली है तो क्या आ जाए, कॉमा डबल कोटेशन के अंदर स्टार लगाना है कि स्टार आ जाए। दोबारा कॉमा, अगर खाली नहीं है तो क्या आ जाए, हम यहाँ पे सिंपली 1 एंटर करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। जब तक ये खाली है ये देखिए स्टार आ गया। अब इसको हम सेंट्रल अलाइन करते हैं, कलर रेड दे देते हैं और साइज़ इसका 18 रख देते हैं। अपर अलाइन और सेंट्रल अलाइन हो गया। अब इसको कंट्रोल सी के साथ कॉपी करना है और सब सेल को एक टाइम पे कंट्रोल पकड़ के जेंडर के अलावा सबको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करना है तो सब सेल के साथ स्टार आ गया। और कॉलम का वेट कम करना है, दोनों साइड का वेट कम हो गया। स्टार के ऊपर पहला कंडीशन हमने ये लगाया है कि अगर हमारा एम्प्लॉय डिटेल वाले सेल खाली हैं तो स्टार आ जाए। दूसरा कंडीशन ये लगाना है कि अगर हमारा एम्प्लॉय डिटेल वाले सेल में एंट्री मौजूद हो तो चेक वाला आइकन आ जाए। तो इसके लिए हमने सारे स्टार एक एक करके सेलेक्ट करना है और कंडीशनल फॉर्मेट पे जाना है, न्यू रूल सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू को सेलेक्ट करना है और नीचे फॉर्मेट स्टाइल पे जाके यहाँ आइकन सेट चूज करना है और नीचे जाके आइकन में से चेक वाला आइकन सेलेक्ट करना है। नीचे 3 किस्म के आइकन हैं, व्हेन वैल्यू इज़ वाला सही है, व्हेन लेस देन 67 इसके लिए नॉन सेल आइकन, और लेस देन 33 ये भी नॉन सेल आइकन कर दें, और यहाँ पे 1 करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे 0 करना है, और यहाँ पे शो आइकन ओनली करना है ताकि 1 जो है ये उसके साथ ना आ जाए, और ओके करना है, ओके किया। अब हम जब एंट्री करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ एंट्री करता हूँ, कुछ भी लिख दें, असद लिखा तो चेक बॉक्स आ गया। लेकिन यहाँ पे सेल का कलर कुछ ज़्यादा वाइट आ रहा है, इसको दोबारा कंडीशन में चेंज करते हैं जो कंडीशन हमने लगवाया था कि अगर सेल खाली ना हो तो इसके लिए सारे सेल सेलेक्ट करने हैं। दोबारा से हम उसी कंडीशन को एडिट करेंगे, सारे सेल को सेलेक्ट किया, जाना है कंडीशनल फॉर्मेट पे, कंडीशनल फॉर्मेट पे क्लिक करना है, मैनेज रूल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमने दो रूल अप्लाई किए थे, सेल नॉट कंटेन वैल्यू और सेल कंटेन वैल्यू। सेल कंटेन वैल्यू को हमने सेलेक्ट करना है कि अगर सेल में वैल्यू मौजूद है उसी के ऊपर हमने क्लिक करना है, एडिट रूल पे क्लिक करना है, और नीचे ऑलरेडी नो ब्लैंक सेलेक्ट है हमने इसी को एडिट करना है, फॉर्मेट सेल पे जाना है, यहाँ पे हमने फिल पे जाना है ताकि हम कलर चेंज कर दें, फिल पे जाना है, हमने
यहाँ पे दूसरा कलर चेंज करना है, ये थोड़ा सा तेज़ है, इसको हल्का करने के लिए मोर कलर पे जाना है। मोर कलर पे जाके इसको थोड़ा सा अप साइड पर लेके जाना है एरो को। अब इसको ओके करना है, यहाँ से ओके किया। अब जाना है बॉर्डर पे, सेल बॉर्डर बनाने के लिए मैंने डॉटेड लाइन सेलेक्ट किया, अप साइड पे लगाया, लेफ्ट राइट और डाउन साइड ओके किया। और ओके करने के बाद दोबारा ओके करना है और अप्लाई ओके करना है। तो हमारे पास अब जिस सेल के अंदर हम एंट्री करते हैं उसका कलर भी चेंज हो गया और बॉर्डर भी अप्लाई हो गए, मतलब जब हम एंट्री करते हैं बॉर्डर भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे और सेल का कलर भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। हमने गलती से जेंडर के ऊपर भी रूल अप्लाई किए हैं, इस रूल को ख़त्म करने के लिए कंडीशनल परमिट पे क्लिक करना है और क्लियर रूल पे क्लिक करना है, क्लियर रूल सेलेक्टेड सेल जो है इस पे क्लिक करना है। अब हमने जेंडर वाले सेल में दो ऑप्शन बटन लगाने हैं, मेल और फीमेल के लिए, जिसके लिए जाना है डेवलपर टैब पे। अगर डेवलपर टैब नहीं है, रेबन में कहीं पे भी खाली जगह पे राइट क्लिक कर दें, कस्टमाइज रेबन पे क्लिक करना है। तो हमारे पास एक विंडो आ जाएगी एक्सेल ऑप्शन, जिसके अंदर डेवलपर वाला एक्टिव करना है डेवलपर ऑप्शन को। तो अभी हमारे पास डेवलपर एक्टिव है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इंसर्ट पे जाके ऑप्शन पे क्लिक करना है और राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करना है, इसको एडजस्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करना है ताकि इसका एक और कॉपी भी बन जाए। कंट्रोल डी के साथ एक और कॉपी बन गई, इसको भी इसी लाइन में एडजस्ट करना है। अब इस ऑप्शन बटन को कंट्रोल पकड़ के क्लिक करना है, एडिट करना है, और फर्स्ट पे हमने लिखना है मेल। इसी तरह सेकंड वाले को एडिट करके बैक बटन के साथ या डिलीट बटन के साथ इसको ख़त्म किया और यहाँ पे लिखना है फीमेल। तो ये दोनों बटन हमारे पास क्रिएट हो गए, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। एक और हम चेक बॉक्स के लिए, पहले हम कुछ रोज को मर्ज करने हैं टर्म एंड कंडीशन के लिए, और यहाँ पे लिखना है टर्म एंड कंडीशन, और नीचे टर्म एंड कंडीशन जितना पैराग्राफ लिखना है या जितने भी रूल हैं इसमें टाइप करने हैं वो इसमें टाइप कर दें, इसकी सेल भी एडजस्ट कर दें। अब टर्म एंड कंडीशन के लिए हमने एक चेक बॉक्स इंसर्ट करना है, जिसके लिए हमने जाना है डेवलपर टैब पे। यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे एक चेक बॉक्स, डेवलपर टैब पे गए, इंसर्ट पे क्लिक किया, और यहाँ पे हमारे पास सेंटर पे चेक बॉक्स बटन है, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करना है। इसको भी हमने एक जगह ऐसे एडजस्ट करना है कि टर्म एंड कंडीशन के बराबर में आ जाए। यहाँ पे मैंने रख दिया, और इसके टेक्स्ट को हमने एडिट करके, एडिट टेक्स्ट, अब इसको हमने काटना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और बाहर क्लिक करना है। अब ऑप्शन बटन पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके सबसे नीचे फॉर्मेट कंट्रोल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सेल लिंक के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पे इस ऑप्शन के लिए एक सेल सेलेक्ट करना है, यानी हमने इसके साथ लिंक किया, क्योंकि हम मेल जब सेलेक्ट करते हैं तो 1 आ जाते हैं, फीमेल जब सेलेक्ट करते हैं तो 2 आ जाता है, फीमेल के लिए 2, मेल के लिए 1 आ जाता है, जिसके ऊपर हम चेक लगाते हैं तो उसका अपना नंबर आ जाता है। इसी तरह हम टर्म एंड कंडीशन का चेकबॉक्स भी एक्टिव करते हैं, कंट्रोल पकड़ के राइट क्लिक किया और फॉर्म कंट्रोल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सेल सेलेक्ट करना है जिसके साथ हमने लिंक करना है, ओके करना है, या इसको थोड़ा सा एक सेल ऊपर करते हैं। अब हम ओके करते हैं तो हमारा चेकबॉक्स टर्म एंड कंडीशन वाला जो है वो भी एक्टिव हो गया। जब हम क्लिक करते हैं तो ट्रू हो जाता है, जब हम अनचेक करते हैं तो फॉल्स आ जाता है। तो हमारे 3 बटन एक्टिव हो गए, मेल फीमेल एंड टर्म एंड कंडीशन। अब हमने टोटल सेल को काउंट करने के लिए एक फार्मूला लगाना है, काउंट ए इज इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट, वैल्यू हमने एक एक करके सेलेक्ट करनी है, एक सेल सेलेक्ट किया कॉमा दूसरा
कॉमा तीसरा। इसी तरह सारे सेल सेलेक्ट किए और आखिर में ब्रैकेट क्लोज और एंटर करना है। तो काउंट ए का रिज़ल्ट ज़ीरो क्यों आया, क्योंकि मैंने एंट्री नहीं की थी। अभी मैं एंट्री कर रहा हूँ, कुछ एंट्री कर रहा हूँ, 1 2 3 4, तो 4 हमारे पास काउंट हो गए। सिंपल अल्फाज में ये फार्मूला सिर्फ हम काउंट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम स्टेट के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं, जिसके लिए डेटा पे जाना है और राइट साइड पे डेटा वैलिडेशन का ये बटन है, इस पर क्लिक करना है। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, यहाँ अलाउ पे क्लिक करके लिस्ट सेलेक्ट करनी है और नीचे सोर्स पे क्लिक करके उस जगह पे जाना है जहाँ पे हमने वो लिस्ट बनाई है। मैंने जाना है दूसरी शीट पे, यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट बनाई है जिसमें है स्टेट, या पहले सिटी, मैं सिटी को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके किया, तो ये सिटी के लिए मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। मैं जाता हूँ स्टेट पे, स्टेट का मैंने मैन्युअली लिखा था, लेकिन हम लिस्ट से उठा लेंगे, दोबारा जाएंगे, ये सेल सेलेक्ट किए, दोबारा एरो पे क्लिक करना है और ओके करना है। एम्प्लॉय के लिए ज़रूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है और डेट ऑफ जॉइनिंग की भी ज़रूरत है। डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट में आईटी जमा किया। अभी दोबारा हम इधर डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं, इसी तरह इसको भी जल्दी जल्दी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। और ये हमारा डिजिग्नेशन है, डिजिग्नेशन के लिए भी हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया। नेक्स्ट स्टेप है एंड फार्मूला हम लगाते हैं, इज इक्वल टू एंड, नीचे फार्मूला है, डबल क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं कोई सेल। अगर ये सेल ट्रू है, इज इक्वल टू ट्रू कॉमा, ये सेल इज इक्वल टू, हमारे पास कितने सेल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इज इक्वल टू 11, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे 11 एंट्री हो जाती है और टर्म एंड कंडीशन को चेक लगा हुआ है, टर्म एंड कंडीशन को भी फॉलो करते हैं, तो उस एंट्री को ट्रू समझा जाए, यानी वो ऐड कर सकते हैं। चेक लगाया तो ये ट्रू हो गया, पहले हमारे पास फॉल्स था। नीचे हमने एक बटन बनानी है सबमिट का और दूसरा क्लियर का, जिसके लिए मैंने दो सेल सेलेक्ट करने हैं और दोनों का इक्वल साइज़ रखना है। अब इस सेल में मैं थोड़ा सा कलर भी कर देता हूँ हल्का सा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबमिट और एंटर करता हूँ, उसको सेंट्रलाइज, लेफ्ट अलाइन, बोल्ड, और इसका साइज़ रखा है 14, और पूर्ण कलर इसका करते हैं वाइट, ताकि अभी फ़िलहाल ये हाइड हो। और मज़ीद कलर हम देते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल से, कंडीशनल फॉर्मेट पे क्लिक किया और न्यू रूल सेलेक्ट किया, यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे फार्मूला लिखना है, इज इक्वल टू दिस सेल, यानी जहाँ पे हमने आखिर बार ट्रू लिखा है उसी सेल को सेलेक्ट करना है, इज इक्वल टू ट्रू। अगर ये सेल में ट्रू है तो इसका फॉर्मेट आ जाए, फॉर्मेट पे क्लिक करना है, फिल पे जाना है और यहाँ पे हमने ये कलर चूज़ करना है और पूर्ण साइज़ हमने बोल्ड रखना है और वाइट रखना है और यहाँ से ओके करना है, दोबारा ओके करना है। जबकि हमारा कंडीशन ट्रू है, इस वजह से हमारे पास कलर आया। अगर मैं एक ही चेकबॉक्स या कोई डेटा डिलीट करता हूँ तो हमारे ये सबमिट का बटन गायब हो जाता है। जब हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाती है तो सबमिट का बटन वाज़ह आ जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि अब हम एंट्री सबमिट कर सकते हैं। अब इस बटन का हमने एक कॉपी बनाना है, कंट्रोल सी के साथ हमने इसका कॉपी करना है और पेस्ट स्पेशल पे जाके मैंने पेस्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है लिंक्ड पिक्चर, तो हमारे पास एक कॉपी बन गई। इसको थोड़ा सा मूव करना है ऊपर,
यहाँ पे टेबल के करीब यानी फॉर्म के करीब रख देंगे। और यहाँ पे इसका स्टाइल भी चेंज कर देंगे और इसका इफेक्ट भी चेंज कर देंगे। यहाँ से मैं एक इफेक्ट ले लेता हूँ, शेडो भी लिया और इफेक्ट भी अप्लाई कर दिया। तो ये बटन हमारा क्रिएट हो गया। इसी तरह हमने एक दूसरा बटन बनाना है इसके साथ, क्लियर वाला। जब हमारा डाटा कंप्लीट हो जाए या कोई एरर आ जाए, गलत हो जाए, तो उसको हम इस बटन के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। मैंने लिखा क्लियर, इसको सेंटर पे किया, अप अलाइन, लेफ्ट अलाइन, और इसका साइज़ भी 14 रखते हैं और इसका कलर भी हम वाइट कर देते हैं। सेल कलर भी हमने रख दिया और बोल्ड भी किया। इसका भी हम कंट्रोल सी के साथ कॉपी लेते हैं, कंट्रोल सी प्रेस किया, पेस्ट पे जाना है और लिंक पिक्चर पे क्लिक करना है। तो हमारे पास इसकी भी एक पिक्चर रेडी हो गई। इसको हमने इसके साथ रखना है, लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल बराबर में रखना है। अब हमने जाना है दोबारा यहाँ पिक्चर इफेक्ट पे, शेडो अप्लाई किया, अब पिक्चर इफेक्ट अप्लाई करते हैं और ये स्टाइल हमने इस पर भी अप्लाई कर दिया। तो ये दो बटन भी हमारे रेडी हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास जो टेबल है ये थोड़ा सा नीचे आ जाए ताकि डैशबोर्ड के करीब ना हो और नज़र ना आ जाए। नेक्स्ट है हम अपने टाइटल लाइन को, इस लाइन को हमने क्या करना है, लिंक करना है फॉर्म वाले सेल के साथ। एम्प्लॉई नेम को एम्प्लॉई नेम के साथ लिंक करते हैं, जिसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू, ऊपर जाएंगे, इस सेल को सेलेक्ट कर देंगे और इंटर करने के बाद हमारा सेल इसका बराबर हो गया, लिंक हो गया। फादर नेम इंटर किया और यहाँ पे हम इज इक्वल टू डालेंगे और यहाँ मेल फीमेल के लिए हमने 1 वाला सेलेक्ट करना है। बाद में इसको भी हम चेंज कर देंगे। और एड्रेस के लिए हमने क्या करना है, इज इक्वल टू और एड्रेस सेल सेलेक्ट किया। और अगला है हमारे पास स्टेट, स्टेट के लिए इज इक्वल टू स्टेट सेलेक्ट करना है, स्टेट को किया और इक्वल टू सिटी। एम्प्लॉय नंबर इसी तरह सारे इक्वल टू साइन के साथ लिंक करने हैं। और मेल फीमेल के लिए कंडीशन का फार्मूला यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट स्टार्ट, और हमने सेलेक्ट करना है 1 वाला सेल, मेल फीमेल वाला बराबर है, इज इक्वल टू 1, कॉमा लगाना है और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मेल लिखना है। अगर 1 हो यहाँ पे तो मेल आ जाए, वरना कॉमा लगाना है, फीमेल आ जाए, ब्रैकेट क्लोज और इंटर करना है। तो यहाँ पे हमारे पास मेल आ गया। इसको दोबारा साइज़ ओरिजिनल साइज़ कर देते हैं। और अब जो बकाया हमारे सेल लिंक नहीं है उसको भी इज इक्वल टू साइन के साथ लिंक कर देते हैं, इज इक्वल टू फिर जाना है, सेल को सेलेक्ट करना है। इसी तरह जितनी भी सेल हैं हर एक को इक्वल टू साइन के साथ लिंक करने हैं, इसको भी लिंक किया। अब हमारा टेबल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। हमने ग्रिड लाइन हटाने हैं इस टेबल से, एक्सेल शीट से, जिसके लिए हमने जाना है व्यू पे, व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ ग्रेड लाइन से चेक हटाना है। तो हमारा पेज वाइट हो गया, ग्रेड लाइन ख़त्म हो गए। इसको भी मैं वाइट कलर से हाइड कर देता हूँ, वाइट कलर से हाइड हो गए। ये पर मूल्य के साथ भी होते हैं लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है इसकी। और यहाँ पे हम टेबल वाला एरिया को सेलेक्ट करते हैं, एक अच्छा सा कलर दे देते हैं, ज़्यादा डार्क भी ना हो। और ये याद रहे कि जब आप इस तरह टेबल क्रिएट करते हैं उसके बाद इसमें कोई रो या कॉलम डिलीट या इंसर्ट नहीं करनी है, वरना आपका जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा और जो वैल्यू आप इंटर करते हैं वो रिकॉर्ड में सही नहीं आएगी और आपके डेटाबेस शीट में ट्रांसफ़र भी सही तरीके से नहीं होगी। अब इसे जो चेंज करना है सारा इसी शीट के अंदर अभी करना है। जब आप एक दफ़ा रिकॉर्ड करते हैं
तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये हमारे बॉर्डर भी क्रिएट हो गए और सेल भी एडजस्ट हो गए हैं। बाकी अलाइनमेंट के लिए हमने पूरा सेल सेलेक्ट करना है, सेंटर अलाइन, लेकिन लेफ्ट अलाइन सही होगा, लेफ्ट अलाइन किया और इसके सेंटर में स्पेस ज़्यादा है इसको कम किया। और पूरे टेबल का बॉर्डर क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे कलर चूज़ करना है और यहाँ से और साइड बॉर्डर भी क्रिएट कर दिए। अब जिस शीट में हमने डाटा सेव करना है, नहीं डेटाबेस शीट, इसका भी हमने हेडर बनाना है और टाइटल डिज़ाइन करना है, ये भी डिज़ाइन हो गया। इसको रिनेम करते हैं एंट्री फॉर्म और इसको रिनेम करते हैं डेटाबेस शीट। अब इस टेबल का जो मेन पार्ट है वो अब शुरू हो गई। अब हमने क्या करना है, डेवलपर टैब पे जाना है। डेवलपर टैब अगर आपके पास नहीं है, वही तरीका है जो पहले बताया था। यहाँ पे हमारे पास मैक्रो रिकॉर्ड है या रिकॉर्ड मैक्रो, इस पर क्लिक करना है, मैक्रो रिकॉर्ड पे क्लिक करना है तो हमारे पास इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे हमने माइक्रो रिकॉर्ड का नाम भी दे सकते हैं या वही डिफ़ॉल्ट वाला जो नेम है वो भी रख सकते हैं। अभी हमारी रिकॉर्ड स्टार्ट हो गई, जो एंट्री हमने यहाँ पे की है वो नीचे लिंक सेल में आ गई है, जो इज इक्वल टू के साथ लिंक किया था। इसको पूरा सेलेक्ट करना है और कंट्रोल सी के साथ कॉपी करना है। अब जाना है डेटाबेस शीट पर, यहाँ पर बिल्कुल राइट साइड पर सबसे ऊपर सेल, खाली सेल पर अपनी कर्सर रखनी है और क्लिक करना है, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करना है और कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, कंट्रोल के साथ अप एरो। अब हमने यूज़ रिलेटिव रेफरेंस पे क्लिक करना है ताकि ये ऑन हो जाए। अब ये ऑन हो गया। अब हमने सिंपल इंटर करना है, बल्कि एक एरो के साथ नीचे आ जाना है, लेकिन कंट्रोल नहीं पकड़ना इस दफ़ा। अब हमने अल्ट कंट्रोल वी प्रेस करना है, हमारे पास इस तरह विंडो आ जाएगी और वैल्यू को सेलेक्ट करके ओके करना है। तो हमारी वैल्यू आसानी के साथ पेस्ट हो गई और उधर रिकॉर्ड भी चालू है। दूसरी शीट पे आ जाते हैं, होम पेज आना है, इसकी पूरा फॉर्मेट करते हैं, बॉर्डर क्रिएट करते हैं। बॉर्डर क्रिएट हो गए, इसको सेंट्रल लाइन, यहाँ पे डेट फॉर्मेट चेंज है, हमने क्या करना है शॉर्ट डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अब दोबारा जाना है डेवलपर टैब पे, डेवलपर, और यहाँ पे यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ करना है। जाना है दूसरी शीट पे, यानी एंट्री फॉर्म पे, यहाँ पे हमने एक एक एंट्री को कंट्रोल पकड़ के सेलेक्ट करनी है और हमने डिलीट का बटन प्रेस करना है। पूरी डिलीट हो गए। अब हमने जाना है स्टॉप रिकॉर्डिंग पे, रिकॉर्ड स्टॉप हो गई तो हमारी डेटा का जो रिकॉर्ड हमने ट्रांसफ़र किया वो सारा रिकॉर्ड हो गया। अब हमने जल्दी जल्दी एक और एंट्री करनी है, एड्रेस, स्टेट, सिटी, एम्प्लॉय, कॉन्टैक्ट, सीएनएससी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब हमने जाना है व्यू पे और मैक्रो पे क्लिक करके व्यू मैक्रो, और यहाँ से रन करना है। जब हम रन कर देंगे हमारा डेटा ऑटोमेटिकली अपने डेटाबेस शीट में चला जाएगा। ये देखिए हमारी डेटा यहाँ पे आई है और सेव भी हो गई। एंट्री फॉर्म पे दोबारा वापस आना है, हमने एक काम और करना है। अब हम हमारे पास जो सबमिट का बटन है इसके ऊपर हमने राइट क्लिक करना है और असाइन मैक्रो करना है, ओके करना है। इसके लिए एक और एंट्री करते हैं जल्दी जल्दी। ये एंट्री हम सिर्फ बटन को चेक करने के लिए करते हैं कि हमारा बटन काम करे या नहीं। दूसरी एंट्री हो गई और सबमिट पे क्लिक करना है। जब हमने सबमिट पे क्लिक किया तो हमारा डाटा डायरेक्ट डेटाबेस शीट में सबमिट हो गया, तो हमारा बटन भी ये भी रेडी हो गया। अब हमने क्लियर बटन के लिए एक एंट्री करनी है और रिकॉर्ड करनी है एक छोटी सी क्लिप, ताकि हम अगर हमारा डाटा कोई बाई डिफॉल्ट रॉन्ग एंट्री हो जाती है हम उसको आसानी के साथ क्लियर कर सकें। तो इसके लिए हमने एक एंट्री करनी है जल्दी जल्दी, इकरम सईद, और एड्रेस टाइप करना है, स्टेट, सिटी, और यह हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करना है, इसको इरेज करने के लिए पहले डेवलपर मोड पे जाना है और यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है ताकि हम इसको जब डिलीट करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाए।
रिकॉर्ड पे क्लिक किया, यहाँ पे रिकॉर्ड का नाम एंटर करना है या वैसे ही रहने दे, ओके करना है, रिकॉर्ड चालू है। अब हर एक सेल को कंट्रोल पकड़ के सेलेक्ट करना है, इन सबको मैंने सेलेक्ट किया और हमने क्या करना है, डिलीट के बटन से सबको डिलीट कर दिया। अभी हमारा जो रिकॉर्डिंग शुरू है ये इसमें रिकॉर्ड हो गया कि जब भी हम क्लियर वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा डाटा इरेज हो जाएगा। स्टॉप रिकॉर्डिंग करते हैं। अभी इसी क्लियर के ऊपर हमने राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके असाइन रिकॉर्ड करना है जो हमने अभी रिकॉर्ड किया, बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड नंबर 3 होगा शायद, जिसके लिए हमने राइट क्लिक करना है और असाइन मैक्रो पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड नंबर 3 को ओके करना है। अब हम एक एंट्री जल्दी जल्दी एंटर करते हैं और इस बटन को चेक करते हैं कि हमारी एंट्री इरेज हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। अब इस शीट को मज़ीद एक्टिव करने के लिए हमने एक और काम करना है, क्योंकि जब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारा थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए शीट ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसे बचने के लिए हमने जाना है डेवलपर टैब पे और हमने विजुअल बेसिक को सेलेक्ट करना है, ओपन करना है। यहाँ पे हमने मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करना है। हमारे पास सेकंड पैराग्राफ जो है, हमारा जो अब हमने प्रोग्राम किया, रिकॉर्ड किया, ये हमारा उस रिकॉर्ड का कोड है। हमने इस पैराग्राफ से ऊपर सिंपल एक सेंटेंस लिखना है, एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इज इक्वल टू फॉल्स, और सेव करना है। याद रहे ये फाइल बाकी फाइल की तरह सेव नहीं होता, इसके लिए हम सेव एस करते हैं माइक्रो इनेबल वर्कबुक थ्रू। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है माइक्रो इनेबल एक्सेल माइक्रो इनेबल फोल्डर सेलेक्ट करना है, के नाम से फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट करना है और सेव करना है। अब हमारा फोल्डर बिल्कुल सेव है, नेक्स्ट टाइम भी हम इसमें आसानी के साथ एंट्री कर सकते हैं। हम दोबारा इसमें एक तेज़ी के साथ एंट्री करते हैं ताकि चेक करें कि इस दफ़ा हमारा डेटा जल्दी सेव होता है या दोबारा स्क्रीन वाइब्रेशन करता है। सबमिट पे क्लिक किया तो डायरेक्ट सेव हो गया। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।